हेलो हेलो फाइनल मुकाबले की पहली राउंड है सड़क की साइड में दबारे खेगढ़ की तरफ बहू अक्तरपुर रेड पे है खिस्सा फैट फायर नोट करते जो मैच का टाइम होगा 10 से 10 का होगा और स्कोर और साथ जो हमारे चेतों की साइड है ये बहू अक्तरपुर जिला रोड पर जीते और ये पीटर जनौरी आसपास रोक रही है सुखदेव सिंह पंजाब से मास्टर सुरेंद्र कुलाई होता जिला रोड तक के ये नहीं पूरे हरियाणा हिंदुस्तान के जाने माने रहा एक साइड में कृष्ण आवाज और सुभाष जानी जी अमीन फौजी लगातार दो सीजन का बेस्ट ट्रेनर धनौरी के बारे में दर्शन साथियों धनौरी के लिए खुशखबरी ये है कि टिंकू और रामिल दो कैचर एक जैसे है दोनों सुपरस्टार खिलाड़ी विनोद पहलवान जी और मैं ये घोषणा है मुंबई से भाई बलजीत का निहारी मैच देख रहे हैं बहुत बड़े कबड्डी प्रमोटर हैं उन्होंने घोषणा की है कि दोनों साइड से जो भी कैचर कोई भी कैचर यदि कैच लगा होगा तो 500 रुपए से मान सम्मान दिया जाएगा बलजीत पनिहारी के द्वारा आपके खाते में पहुंच जाएंगे या फिर न्योरी को लाके खेल मेले में आपको सम्मान किया जाएगा 9 जनवरी को भाई बलजीत पनिहारी पूरी टीम के साथ न्योरी आ रहे हैं मुंबई से हरियाणा पंजाब का बहुत बड़ा मुख्य खेल होता है वहां पे आयोजक है भाई बलजीत और फौजी साहब फौजी साहब हाँ जी देखिए इस महाप्रभु के अंदर बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो आज हमारे समापन समारोह के मुख्य अतिथि ने माननीय श्री कृष्ण देसवाल जी जिन्होंने अपने नेक माल में से इस महाकुंभ के अंदर 51,000 रुपए की राशि देकर इस महाकुंभ की सेवा बढ़ाई में एक बार जोरदार ताली हृदय से स्वागत करें माननीय मुख्य अतिथि जी और बिल्कुल नगद यहाँ तक ये जो राशि है यानी माननीय मुख्य अतिथि जी ने ये इस हाट गांव के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी 51,00,000 रुपए के बराबर ये राशि जो आपने इस गांव को मान सम्मान दिया इस खेल कमेटी को मान सम्मान दिया तो नेता जनार्दन के सामने तो मैं आपका पूरे गांव की तरफ से पूरे खेल कमेटी की तरफ से तय दिल से हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता और ये देखिए मैं फिर शानदार प्रयास नरेश के द्वारा शानदार कैच लगाई नरेश धनौरी नरेश ने शानदार कैच लगाई उल्टी कैच थी सुरेंद्र और काला बेड़ा को कैच लगाई है लाल की होली दर्शन साधियों मुकाबला होगा तीन कैचर बहु के चौथा विक्रम फरीदाबादी दर्शन साधे फरीदाबाद स्टार ने भी वर्ल्ड कप जी लीग खेली है और फाइनल मुकाबले में रॉयल की यूनिवर्सिटी का एक खिलाड़ी था विनय खतरी और विक्रम फरीदाबादी दर्शक साथियों हमारे इस खेल मेरे ज्ञान मान बढ़ाने के लिए सुभाष देसवाल जी के छोटे भाई माननीय कृष्ण देसवाल जी मंच की सेवा बनाए हुए हैं उन्होंने इस खेल मेले के पवित्र हवन में 51,000 रुपए की राशि डाली उन्होंने कहा कि मेरा अपना गांव है मैं जरूर सहयोग करूंगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण देसवाल जी के घर में तरक्की उनकी शांति बनी रहे रेड दक्षिण का धनौरी हेलो और ये दर्शक कई झूला फाइनल चल रहे और कई बहु अकबरपुर का बेटा ऋषि बहु रेडे और दूसरी साइड में रामेल धनौरी के द्वारा देखिए इस बार बहुत बड़ी अच्छी कोशिश किया जिसकी उम्र लगभग 20-21 वर्ष की उम्र और देखिए दर्शक साथ इस बेटे के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उस बेटे ने ये देखे आपके सामने और देखते हैं और ये 20 बताई और भाई दर्शक साथियों इस टूर्नामेंट का ये संघ लोगी राष्ट्र अगर हम उपाध्य दे तो वो भी कम नहीं सच को जो आज आपके सामने देखे ऋषि बहु को क्या चलवाकर और दूसरे साइड में लाल गोलू और प्वाइंट स्टोपर के खाते जिला बहु अकबरपुर जिला टीम के खाते में और ये फिर बहु की तरफ से अमृत रखो जी रेड डालते हुए धनौरी गांव के स्टोपर और देखे
आज किया फौजी बाहू यानी अमित और फौजी और पॉइंट रेड के टीम के खाते में यानी रेड के खाते में ऋषि पाल बदारा ने खींच के ले जाने की कोशिश करी लेकिन रामेश धनौरी ने शानदार कैच लगाई। धनौरी की तीन कैच हो चुकी है, दो रन मिल गए इसकी और 500 रुपए सामान किया जाएगा हर कैच पर। दर्शक साथियों देखिए थे टीटा धनौरी इस हरियाणा प्रदेश का यानी बहुत स्टार टीटा धनौरी टच का इशारा कोई भी खिलाड़ी डिसीजन और कोई भी खिलाड़ी रेफरी को चैलेंज नहीं करेगा। रेफरी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा एकदम सही फैसला मास्टर सुरेंद्र दोनों साइड में तीन तीन ओवर कार्य करें या आप नोट कर लेना। मेरे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध है कोई भी खिलाड़ी रेफरी को चैलेंज नहीं करे और ये फिर देखे टिंकू धनौरी के द्वारा सुरेंद्र काला को कैच लगाने की बहुत बड़ी अच्छी कोशिश थी और ये लाल बेलू देखो रेड पैल्टे स्वतंत्र श्री जोगिंदर सिंह यानी आज धनौरी गांव का बेटा बनकर अपने खेल का प्रदर्शन करते जिला पानीपत का बेटा है और प्वाइंट धनौरी की टीम के खाते में यानी रेड के खाते में। और ये खेल दर्शक साथियों बहू की तरफ से अमित फौजी और ये शानदार प्रयास रामेंद्र धनौरी के द्वारा संबंध रहा है बहू के खाते में पॉइंट। और तीन दिन से महाकुंभ चला हुआ दर्शक साथियों पूरे हरियाणा प्रदेश से 120 टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। माननीय मुख्य अतिथि जी हरियाणा प्रदेश का कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जिस डिस्ट्रिक्ट से इस महाकुंभ के अंदर किसी टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया यानी पूरे हरियाणा प्रदेश से 120 टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और आप जैसे दानी सज्जनों की मदद से देखे ये महाकुंभ बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ते हुए। और देखिए भाई दर्शक साथियों बड़े मान सम्मान की बात है हर कैच 500 रुपए की चल रही है। बलजीत पंजारी की तरफ से भाई मुंबई से लाइव देख रहे हैं उनके साथ ही उनका चेला है कपिल कुमार उनका सहयोगी है। उस कपिल ने भी घोषणा की है कि हर कैच पर मैं भी 100 रुपए दूंगा तो 600 रुपए जाएंगे हर कैच के खाते। दर्शक साथियों लाल बोल पानीपत का बेटा है धनौरी गांव का बेटा बनकर और बिल्कुल देखिए ऑफिसर का इशारा भाई एक मिनट सफल हाँ जी भाई रेफरी का रेफरी के ऊपर दबाव न डाले सुखदेव सिंह जी पंजाब से है आया ऑफिसर है वर्ल्ड कबड्डी लीग में इन्होंने बड़े अहम फैसले दिए हैं। आप बहस ना करें किसी प्रकार की पॉइंट पे केसर के खाते में बहू के खाते में और रेड पे है अमित फौजी शानदार मुकाबला टिंकू के साथ कैसी कोशिश लेकिन जबरदस्त बहू के खाते में सफल है अमित फौजी। और ऑफिसर साहिबान से मेरा फिर अनुरोध बिल्कुल नजदीक रहा जो भी आपका डिस्कशन सर्वमान्य होगा आप बिल्कुल नजदीक रह के अपना डिसीजन दे। दोनों साइड में सुरेंद्र किलोर जी पंजाब से दिलबाग सिंह जी और दूसरी साइड में सुभाष रिक्त नलेवा जी और थर्ड अंपायर के रूम में देखे सभी ऑफिसर का भी बार बार हो रही है टीटा धनौरी मेहनत हाँ जी परमवीर जी ना पकड़िए थोड़ा सा इतना बंद हुआ पहले वो किसना खोल दिए उस टाइम देखिए उसका मोटर को छोड़ दो और ये देखिए सुरेंद्र काला को कैच लगाने की कोशिश बहुत बढ़िया की कोशिश थी रामेश धनौरे की। देखते हैं कौन सी टीम इस महाकुंभ की विजेता टीम होगी और कौन सी उप विजेता टीम होगी वो तो टाइम ही बताएगा। और रात का जो निर्णय होगा बिल्कुल फाइनल निर्णय होगा भाई एक खिलाड़ी आपस में बहस नहीं करना चाहता आपको रात्रि ने पॉइंट दे दिया आपको बहस कर लो बहुत बढ़िया रेफरी का निर्णय हुआ सर्वमान्य हुआ और मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध आप किसी भी रेफरी के रेफरी का दबाव न बनाए रेफरी के लिए सारे खिलाड़ी बराबर है और देखिए टिंकू धनौरी बिल्कुल चिंते की तरह वार किया टिंकू धनौरी ने जबरदस्त मुकाबला फाइनल मुकाबला चल रहा है और ये हाफ टाइम स्कोर इस प्रकार धनौरी 14 और महुआ
अकबर मूर्त तो कैसे आंसर है यही सब था मोर माजरा और बहु अकबर दुर्गा, लेकिन सेकंड आपके बाद बहुत कैसे कह कर पाया और मोर माजरा को हार का सामना करना पड़ा। भाई मैच में बहुत कुछ बाकी और उदय जी पानी पानी कोई बात नहीं, सुबह तुम के पास बिल्कुल भी भाई कंट्रोल है, कमेटी है, हर टाइम हो चुका खिलाड़ी पानी थोड़ा सा यूज कर लेंगे और कोई भी खिलाड़ी शरीर के ऊपर पानी न डाले ये अपना कर लेना। मेरे दोनों टीम में से एक अपील है यानी आप कोई बात नहीं आगे चिंता करो आगे भाई, दोनों टीमों के खिलाड़ी जिसने भी पानी लेना भी यही आगे सब प्लान के पास एक गिलास भी रख दो, अगर गिलास हो तो साथ में गिलास रख दो। दोनों टीमों के रेट नोट कर ले, कोई भी खिलाड़ी शरीर के ऊपर पानी न डाले ये आप नोट कर लेना, दोनों जी आप ध्यान रखना इस चीज का दोनों साइड से। हाफ टाइम का स्कोर तेनोरी 14 और बहुआपुर 10, दर्शक साथियों 14 और 10 के मध्य ये मुकाबला और देखते हैं आज इस महाकुंभ की कौन सी विजेता टीम होगी और कौन सी उप विजेता टीम होगी। ये तो अभी आपके सामने 10 मिनट का टाइम हो चुका है और 10 मिनट के बाद देखते हैं इस महाकुंभ का जो किताब है वो कौन सी टीम हासिल करती है, कौन सी विजेता कौन सी उप विजेता। हेलो भाई, आठ गांव से हमारे युवा पति संदीप घोड़ा सुनो श्री रामदेव घोड़ा जी और ये नोट कर ले लाल बियोली को जो भी स्टॉप पर कैच लगाएगा भाई बहु अकबरपुर की टीम के स्टॉप पर नोट करने, अगर आप लाल बियोली को कैच लगाते हो आप उस कैचर को संदीप भूरा की तरफ से 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। आप नोट कर लेना टीम के लिए दोनों फायदे हैं, अंक भी और 1000 का नोट भी, ये आप नोट कर लेना। और ये देखिए 1000 रुपए की रेड कर सकता है, अगर कोई भी स्टॉपर लाल बिल्ली को कैच लगाएगा संदीप भूरा सपुत्र श्री रामदेव जी गांव हाट से है भाई 1000 के चक्कर में पूरा करूंगा राशि तो कोई बात नहीं। और ये सुरेंद्र और काला काला नाम के खिलाड़ियों ने भी इस मौत खेल कबड्डी के अंदर देखिए पूरा इस हरियाणा प्रदेश में टिंकू सनोरी देखिए फिर कैच बनाने की बहुत बढ़िया जबरदस्त कोशिश यानी सुरेंद्र और काला को टिंकू सनोरी ने जो कैच बनाई मात्र 18-19 वर्ष आपके सामने उम्र है जो बहुत बढ़िया जबरदस्त कैच सुरेंद्र और काला को एक ताकतवर रेडर को कैच लगाना पड़े शान बात होती और वो टिंकू नोरी ने जो काम करके दिखाया अपने टीम के लिए काम के बदल टीटा धनोरी दर्शक साथियों टीटा धनोरी रेड के ऊपर जेलर जेल का बेटा टीटा धनोरी रेड डालते और देखते हैं देखिए बहु के स्टॉपर के द्वारा फिर बहुत बढ़िया अच्छी ट्राई है परंतु टीटा धनोरी को आज कैच लगाना बड़ा मुश्किल और वो पॉइंट फिर बहु की तरफ से अमृत तरफ होगी रेड डालते हुए धनोरी गांव के चार बेटे यानी चार स्टॉप पर देखते
पॉइंट किस के खाते में या धनौरे के टीम के खाते में या फिर जिला रोहतक के खाते में। 1000 रुपए की रेड फिर आज एक रामनगर संदीप घोड़ा सपुत्र श्री रामेर घोड़ा जो हाट मांग के उन्होंने 1000 रुपए। देखिए इस बार कोशिश में तीसरे पॉइंट रेडू के खाते में और ये पॉइंट लाल बिरोली के खाते में। बिट्टू फरीदाबादी के द्वारा बहुत बढ़िया अच्छी कोशिश थी जो आज एक मिलाने में बहु अपुत्र के प्रेम के साथ यानी स्टोकर की भूमिका निभाते हैं। और गुलाब सिंह जी देखिए मुंबई से है, कपिल कुमार है, आधवा गांव का बादशाह है, चौधरी रणजीत सिंह देशवाल का बादशाह है। इसने कहा कि जितने भी रेडर हर राइड पे 100 रुपए दिए जाएंगे, 2 किलोमीटर जितने राइड लेके आएगा वो अपने पॉइंट गिन रहे। और ये सुरेंद्र का वो कैच हो गए लॉन्डन कटोरी के द्वारा फिर शानदार कैच। हर रेड पॉइंट पर हर रेडर को भाई कपिल मुंबई की तरफ से जो मंजीत बनियारी के साथ है वहाँ पे वो लाइव देख रहे हैं। माधुआ गांव का बंजा है तो जो रंजीत देशवाल का बंजा उन्होंने घोषणा की कि भाई हर रेड पे 100 रुपए जोड़ी गांव में रेडर को समाप्त किया जाएगा। और ये सीधा धरावी भाई कपिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुंबई से प्यार भेज रहे हैं जरा सीधा धरावी। और इधर गांव में एक टूर्नामेंट है, क्या बात है स्वामी बनारा जबरदस्त रहे। और ये कैच हो गए स्वामी बनारा के द्वारा, ये खिलाड़ी ने पिछले सीजन में बेस्ट कैचर की दौड़ में था। और क्या बात है शानदार कैच की कोशिश अमित फौजी अंदर प्रयोग और फौजी सफल रहे। 1000 की रेड है भाई लाल बेली में, दो भी खिलाड़ी कैच लगाएगा 1000 रुपए की रेड है सौ बना रहा। वन सेकेंड ट्राई करता हूं पॉइंट पे लाल बेली के खाते में और मंच में मान सम्मान किया जा रहा है। देखिए भाई महेंद्र मलिक जिन्होंने इस खेल टूर्नामेंट में 21,000 का शानदार योगदान दिया उनको सम्मानित किया गया है गांव के इस खेल कमेटी के द्वारा, हमारे मेहमानों के द्वारा, हमारे दर्शकों खिलाड़ियों के द्वारा। भाई महेंद्र मलिक जी आपने भी बहुत बाजवाब खेल मेरा करवाया था, आप बधाई के पात्र हैं। मंजीत महेंद्र मलिक 300 और रेड पर है। दर्शक साथियों मैच बहुत रोमांचक है और ये शानदार मुकाबला रेड में टीका धनौरी मैच में कुछ भी हो सकता है। बंटी बना रहा कमाल की रफ्तार अंक टीका के खाते में। रणजीत देशवाल जी के चौथे हैं मैं उनके नाना जी हैं रणजीत देशवाल जी अडवा गांव से। ये कपिल कुमार है मुंबई से बैठा मैच तो आनंद ले रहा है। हर रेडर के खाते में 100 रुपए हैं, जो रेडर जितने रेड लेके जाएगा उनके पॉइंट गिने जाएंगे। और मैं कमेटी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध है स्टेज पर चला जाए। करमवीर परिहन जी सभी से मेरा अनुरोध है आप एक बार स्टेज पर आए और फिर पॉइंट लाल के लिए हमने 1000 रुपए पॉइंट लाल के हाथ करमवीर जी थोड़ा जी और कौरवी जितने भी हमारे खेल कमेटी के पदाधिकारी एक बार स्टेज के ऊपर आ जाए। आज हमारे उस के साथ हमारे हमारे पूरे खेल कमेटी और हमारे पूरे सत्या सत्यनारायण भोला जी भाई। और देखिए हमारे पूरे सरपंच जो गांव के माननीय श्री सत्यनारायण भोला जी उनको भी
मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि आप सरपंच साहब को पूरे सरपंच जी को एक यादगारी चुनाव देते हुए मान सम्मान दें। धन्यवाद पूरी पूरी कमेटी का, उमेश जी का, मास्टर जयवीर जी का, सभी का बार बार तय दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद और पूरी खेल कमेटी। शानदार प्लान, शानदार, बहुत जबरदस्त मुकाबला फिर गया है। अमित धोती, उमेश जी और देखिए जबरदस्त मुकाबला चलता है। अमित धोती समझ रहे फिर जदम नाग देवी, ₹1000 का मोस्ट वांटेड रेडर है भाई, ₹1000 मिलेंगे और एक नंबर बहुत मौका आपके लिए। और लेकिन माननीय श्री महेंद्र सिंह मलिक जी हमारे खेल कमेटी की यादगार चुनाव करते हैं, मान सम्मान देते हैं। पहला महेंद्र सिंह मलिक जी पंडित बलारा की सफल का है। सफल रहे सुरेंद्र कौन खाते हैं पॉइंट और भाई बलजीत मनिहारी और ये दर्शक साथी इस महाकुंभ का मुकाबला बिल्कुल समापन के यानी समापन समारोह अपने आगे की तरफ बढ़ते हुए और ये टीटा धनौरे बहुत कांटे मुकाबला चल रहा है दोनों तरफ से और ये पंची बुलाना को टच किया पॉइंट टीटा के खाते। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे खेल कमेटी का बार सा हुए जितने भी हमारे मुख्य अतिथि सभी को मान सम्मान देते हैं कि याद रख जुने के साथ। भाई कपिटी और बलजीत परिहारी देखिए मैचों दे रहे हैं हर अंक पे हर कैच पे बलजीत की तरफ से 500 और कपिल जो अगला लाओगे बनते हैं ₹1000 की कच जो लगी संदेश से बिल्कुल भेदा देने में कच लगाए बहुत बढ़िया अच्छी कच सबसे पहले बदावर की टीम को मान सम्मान दें सरपंच साहब जी
चाहे चोरी और मौजूदा सरपंच हमारे 11,000 रुपए की राशि देकर देखे बदावर की टीम को मान सम्मान देते हैं। पूरी खेल कमेटी हमारे पूरे गांव के जो हमारे मौजूदा सरपंच और उसके बावजूद मैं अनुरोध करूंगा अहर अहर ग्यारह हजार रुपए की राशि और देखे अनिल और प्रवीण 11,000 रुपए की राशि और एक ट्रॉफी के साथ देखे हमारे खेल कमेटी मान सम्मान देते हैं। और उसके बाद जब मैं अनुरोध करूंगा भाई बड़े ग्रुप की टीम के दो खिलाड़ी आ जाए जो अंतिम जेता टीम है इस महात्म की दोनों ग्रुप डीपी कस आपको 2100 रुपए 1100 रुपए रोड मोमेंटो के साथ मान सम्मान दे रहे डीपी कस भाई बड़े ग्रुप की टीम के दो खिलाड़ी आ जाओ फौजी जो इस महाकुंभ के जेता टीम है 51,000 रुपए की राशि और एक ट्रॉफी के साथ मान सम्मान देने बेटे फोजा बाबू और ये देखे बंटी को यानी दोनों खिलाड़ी 51,000 रुपए की राशि और एक ट्रॉफी के साथ भाई दर्शक साथी इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और अब जो भाई संदीप गोरव का जिसने 1,000 रुपए लगाए थे लाल बीर लीग इस टीम पर आ रहे जी कोई बात नहीं बेटे बजा रहे हैं यार। और अब मैं अनुरोध करूंगा धनौरी की टीम के दो खिलाड़ी आ जाए और अपना जो हमारा प्राइज है वो पहला इस महाकुंभ की जो विजेता टीम है वो अपना पहला प्राइज आगे प्राप्त करे। धनौरी धनौरी टीम के दो खिलाड़ी आ जाए भाई रामेर आज कोई भी आगे टीम को दो अरे आज बहुत बहुत धन्यवाद और भाई बेस्ट रेडियो बेस्ट कल्चर को भी 11,100 रुपए दिए जाएंगे आगे। हेलो बेस्ट रेडियो बेस्ट कल्चर बेस्ट रेडियो भाई फौजी भाई से आ जाओ और बेस्ट रेडियो आ जाए एक कैच लगे पूरे फाइनल के दौरान और नहीं तो और फौजी हेलो भाई हमें फौजी अपने 1100 रुपए जो बेस्ट रेडियो और भाई दो बेस्ट उत्तर है एक है टिंकू धनौरी और दूसरा सोनू बहु भाई दो दो राष्ट्र प्राय विनोद जी दोनों को अगर आप 11,100 रुपए की राशि देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। पूरी खेल कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद यानी एक बहु से और एक ये धनौरी गांव का बेटा मैं कर देखे उम्र आपके सामने 19-20 वर्ष जो बेटे